बांध कमर क्यों डरता है, फिर देखा क्या करता है। Thank you.
कोई तांगा वांगा मिलेगा तांगा मिलता है जाने को। हाँ, जयराम जी की सरकार, आप हमारे बड़े बाबू हैं ना, सियालकोट से बदल कर आए हैं। हाँ जी जी, नमस्ते। चलिए मैं आप ही को लेने आया। अच्छा। बोली सामान लाओ। अच्छा प्यारी दुनिया है तुम्हारी, मालूम होता है ये छोटी छोटी पहाड़ियां परमात्मा के घर को जाने वाली पगडंडियों को खोद में लिए खड़ी है। हम ये सोचते थे सरकार, न जाने कैसे होंगे हमारे नए बाबू, चेहरे पे वतन छोड़ने की उदासी होगी, सर पे गृहस्थी का बोझ, बात बात पे चिढ़ जाया करते होंगे। मेरे ख्याल में शादी नहीं की हुजूर ने अभी तक। नहीं, तभी ये कुदरत के नजारे भले मालूम देते हैं आप। जयराम जी की हजूर साहब। राम राम भाई। ये आपका हरकारा है हजूर साहब। हरकारा कह लो या डाकघर का घोड़ा कह लो हजूर साहब, पूरे 20 साल से कांधे पर डाक के थैले उठाए भाग रहा हूँ, और जाने कब तक और भागना पड़ता है। राधा अभी 8 बरस की हुई है। अरे आओ राधा बीना तारा, हजूर साहब को राम राम बुलाओ आके। ये मेरी छोटी सी दुनिया है सरकार, जिसे मैं धरती का स्वर्ग कहता हूँ। राम राम हजूर साहब। राम राम हजूर साहब। ये है राधा, और ये है बीना, और ये है तारा। हाथ जोड़ो बेटे, बड़े बाबू हाकिम है हमारे। तारा की सगाई मैंने श्रवण कुमार से कर रखी है, आपका डाकिया। जी 3.5 बरस से ये कहानी सुनता चला आ रहा हूँ। हुजूर साहब नमस्ते, और जाने कै बरस और इसी तरह पर चाहते जाएंगे लक्की बाबा। डाक घर का घोड़ा बना तो मैं, खुशी राम हवलदार को तुम नहीं जानते। हमारे पिता थे सरकार, पेटी और बटन लिंबू से चमकाया करते थे सुबह उठ के, और दादा हमारे थे रिसाला नंबर 22 के जमादार। ये तुर्रा हुआ करता था उनका, सारी उम्र सर उठा के चलते रहे। अब आप ही कहिए कि उनकी औलाद को अगर साथ साथ जोड़े और एक एक बंगड़ी भी न दे सकूं तो दुनिया क्या कहेगी। अगर इसी तरह 2 बरस और गुजर गए तो हमें क्या कहेगी दुनिया। नमस्ते हुजूर। ये मुकदमे तो आपकी अदालत में पेश होते ही रहेंगे सरकार, नहा धो लीजिए पहले, सफर से आए। आइए। ए, जब तुम्हारे वो तुम्हारे सामने आ जाते हैं तो तुम जेब क्यों जाती हो इस ट्रे। मालूम है वो किसने देखते हैं तुम्हें। जब तुम दूर चली जाती हो तो वो अपने थड़कते हुए दिल को संभाले हुए पीछे पीछे अपनी नजरें दौड़ाते हैं, और जब नजरें भी नहीं पकड़ सकती तुम्हें, उनका मजबूर थोपड़ा ऐसे बन जाता है। देखना तारा है कि नहीं तुम्हारे उंजी का थोपड़ा। आज बाबा से कहूंगी, तारा कहती है 18 बरस लग गया है, बैकअप करोगे मेरा। संजोग बड़े जबर होते हैं बाबू साहब, वरना कहां तारा और कहां चचा हमारा। क्या उम्र होगी सरपंच की। 40 से कमती क्या होगा भला,
22 का तो मैं हूँ और लौंडिया होगी बहुत से बहुत 17 की। अपना बस चलता तो हाथ रोक देते लक्खी बाबा के। दो वक्त पूजा करता हूँ, निंदा की नहीं जाती किसी की, वरना ये आदमी है कोई? क्यों, दारू भी चढ़ा लेता है और दमड़े पल्ले हो तो दो हाथ जुए के भी मार लेता है। हमें तो आज तक ना कौड़ियों की समझ आई न ताश के पत्तों की। भगवान को चंदन लगाया और हाथ जोड़ दिए दोनों वक्त। राधे श्याम। पर एक बात है हजूर साहब, शायद दुख भूलने के लिए दारू पी लेता हो बेचारा, शादी के बाद सब कुछ छोड़ बैठे। लड़की पसंद करती है उसे? क्यों नहीं, सारी अलिफ लैला जवानी याद है सरवन को। कहानियां सुनाया करेगा, दिल परचाया करेगा लड़की का। हुजूर साहब जी, बाबा कहते थे अचार नहीं था हुजूर साहब के सामान में। सफर की मिट्टी खाने के बाद अब अचार खिलाओगी इन्हें? बहुत उम्दा अचार मालूम देता है। क्या कहने हैं साहब, सुपरडंट साहब जब दौरे आते हैं ये अचार जरूर मंगाते हैं। मेरा अचार पसंद आया हजूर साहब को? हजूर साहब ने रखा भी, आप ले ली थी मेरे हाथ से। फिर एक प्याज उठाई खा गए, फिर दूसरी प्याज उठाई खा गए, फिर तीसरी प्याज उठाई खा गए, फिर चौथी प्याज उठाई खा गए। अरे कुछ बोली नहीं? लच्छू से बोले रोटी मत बना, आज अचार ही खाएंगे। खुश हो गई। क्या हो रहा है चाचा? कई बार कहा है तुझे, इस लफ्ज से नफरत है मुझे। इन्हें बुरा लगता है ये लफ्ज? मुझे बुरा लगता है? सारे कंपाउंड में कौन है जो मेरे सामने खड़ा रह सके? तेरे जैसा मेरी लपेट में आ जाए तो भींच के दम निकाल दूं उसका। गुमान हो तो कुश्ती लड़ ले, दंड पैर ले, दौड़ लगा ले। ला रस्सी, अभी दिखाता हूँ छाती नाप के है कि नहीं पूरे 52 इंच की। पूरे 52 इंच की है चाचा? बड़े भैया चिट्ठियां वहीं छोड़ाए थे मेज पे, बड़े बाबू को पता चल जाए तो बुरा, आज के आज ही में पड़ जानी चाहिए ये भी। मेरा भेजा ठिकाने पे नहीं लच्छू, कल दाल में नमक की जगह शक्कर डाल दी थी मैंने। परमात्मा सुने भाई तुम्हारी, और हम क्या कह सकते हैं। दाल भी जलकर कोयला हो गई हमारी तरह। अजी मैंने कहा जो सब्जी भाजी पकाई हो थोड़ी इधर भी डाल देना। मैंने कहा रानी घर में कोई नहीं है? ये कौन है, छोटी के बड़ी? और चाहिए दाल? नहीं नहीं नहीं, अच्छा बेटे चल दिए हम, अब गुरुवार को मेल होंगे हमारे। चलिए हुजूर, आज कोई मेला है गांव में? नहीं साहब। ये लड़कियां कहां जा रही हैं सच के? इनका बड़ा त्योहार है, आज गुरुवार है ना, लक्खी बाबा के वापसी का दिन। 4 बजे सवेरे उठी होंगी, अच्छी में अच्छी रसोई बनाई होगी और अब नहा धो के बाप को लेने जा रही है। कहाँ? मेल के पत्थर पर। सारा दिन खाते पीते गुजर जाएगा, रात को लक्खी बाबा के हाथ में सितार होगा और तारा गाएगी। तारा गाती है? बहुत मीठा। जन्माष्टमी आ रही है देखिएगा, ऐसा मालूम होगा कि तारा के भेष में राधा कलयुग में कन्हैया को ढूंढने निकली है।
आओ। जयराम जी के हुजूर, छोड़े देता हूँ सितार। ये लड़कियां बड़ी जिद्दी हैं, क्या करूं, बाप भी मैं माँ भी मैं, जी नहीं तोड़ा जाता इनका। आप आराम करें, ले राधा अंदर रख दे इसे। पर पापा, घर हमारा, बाजा हमारा, हाथ हमारी, गला हमारा। पर बेटा, अफसर भी तो हमारे हैं ना, नींद कैसे खराब करें इनकी। अच्छा जी, ये तारी नींद खराब करते तो हद हो गई। मैं तो इजाजत चाहता हूँ रानी, मुझे भी इस महफिल में शरीक किया जाए। पधारिए, पर बिठाओगे कहाँ हजूर साहब को, जगह बनाओ इनके लिए। जाओ, यहाँ तुम बैठो, मैं तुम्हारी जगह बैठूंगा। मैं तो जमीन पर बैठी हूँ। मैं भी जमीन पर बैठ जाऊंगा। हड्डियों में दर्द बैठ जाएगा, बड़े लोग की हड्डियाँ कच्ची होती नहीं बाबा। अच्छा बाबा से कहो गाएं। मेरी आवाज तो ये लड़कियाँ हैं, अब तारा गाएगी। गाओ बेटा। क्या कहूँ बाबा, जो अच्छा लगता। मुझे तो राधा की फरियाद पसंद है। दिल ठेस खा चुका था, कन्हैया द्वारका जा चुका था, पर कन्हैया का प्यार आंसुओं के रूप में राधा के बावरे नैनों में सदा छलकता था। एक दिन पनिहारियों ने पूछा, रो क्यों रही हो राधे? राधा बोली, जल की बूंदों से नैनों की प्यास बुझाती हूँ। मत समझो नीर बहाती हूँ। मुझे रोने से क्या काम सकी, इन आंसुओं में है शाम सखी, इन आंसुओं में है शाम सखी, नैनों में बसा कर जिनकी छवि, मैं मन ही मन मुस्काती हूँ। मत समझो नीर बहाती हूँ।
आज से तारा का नाम बुलबुल रख दिया हमने और इस घर का नाम लक्की बाबा की फुलवाड़ी। तो सो रहा है लच्छू और यहाँ घर लूट गया है मेरा। चोरी हुई है? सीना जोरी हुई है। मैं समझा नहीं चाचा। अबे घन चक्कर, इसी लव ने तो मेरा बेरा गर्क किया है, इसी लव ने मुझे उनकी नजरों में गिराया है, इसी लव ने आज मेरे देखते देखते मेरा घर लुटाया है और तू फिर चाचा कहता है मुझे। मुंह में 32 के 32 दांत सलामत, चेहरे पे एक झुर्री नहीं, तन के चलता हूँ, डट के खड़ा रहता हूँ, बोलना चाहता दिखता हूँ तेरा। बात क्या है बड़े भैया जी? बात ये है कि तू चमचा है बड़े बाबू का और लखी दलील है दलील, समझे? समझा। नाम बुलबुल रख दिया हुजूर साहब ने, मैं तुम्हारे उनका नाम रखती हूँ भैंसा। दोनों की जोड़ी अच्छी रहेगी क्यों? बहुत बकवास करती है तू। लेने दे बकवास, 4 दिन की बात है, लुक्खी बाबा की फुलवाड़ी में जाल डल गए हैं, शिकारी किन्नर जुर बुलबुल पे जमी है, भैंसे बिचारी की किस्मत में क्या है। मैं आपका होने वाला जवाई हूँ बाबा। तो ना कौन कहता है? तो फिर मेरी कदर होनी चाहिए, मेरी इज्जत का पास होना चाहिए तुम लोगों को। हमें तुम्हारी कदर भी है और इज्जत का पास भी है तुम्हारी। पर तुम तो दुनिया को आवाजें दे रहे हो कि आओ श्रवण कुमार के मुंह पर थूको। कैसे? ये जो बीज बोए जा रहे हैं जहर के फूल उगलेंगे मैं कह देता हूँ। कैसे बीज कैसे फूल, कुछ बताओगे भी? क्या हुआ है रात को घर में? क्या हुआ है? जो कुछ हुआ है तुम्हारे सामने हुआ है और तुम्हारी मर्जी से हुआ है। मगर क्या हुआ है कुछ समझाओगे भी? बड़े बाबू कौन होते हैं हमारे घरों में आने वाले, कौन होते हैं वो तारा को इस तरह चुपती हुई नजरों से देखने वाले? श्रवण कुमार। बड़े बाबू महफिल में कन्हैया बने बैठे थे, तारा मुजरा कर रही थी सामने। बस यही रोक ले जीप को, मुझे आज मालूम हुआ तेरा अंदर इतना नीच है। क्या समझता है तू मेरी बेटी को? देवी, वो तो देवी है पर मैं दुनिया की नजरों में गिरता जा रहा हूँ बाबा। अगर हमारी वजह से तू दुनिया की नजरों से गिर रहा है तो आज से हमारा तुम्हारा कोई नाता नहीं। मेरा ये मतलब नहीं बाबा, मेरी तो इज्जत दुगनी हो गई है इस रिश्ते से। तो फिर इस बेहुदा बकवास से मतलब? मैं थोड़े ही बोल रहा था, कुत्ता भौंक रहा था मेरे अंदर। मैंने कहा भी क्या हो गया, भजन सुन गए बाबू तो, पर कुत्ते को इतनी बुद्धि कहाँ होती है बाबा। मैंने तारा की सगाई देने में बड़ी जल्दबाजी से काम लिया। शादी देने में जो कसर पूरी कर रहे हो बाबा, बाबा कहां सुना माफ करना बाबा, भेजा ठिकाने नहीं रहता आजकल। उस दिन दाल में नमक की जगह शक्कर डाल दी मैंने, आज आम काटना था चाकू उंगली पे चला दिया। तारा जी, तारा जी, साबुत प्याज के अचार में जो जो मसाला पड़ता हो मुझे लिखवा दीजिए। लिखाइए जी। प्याज कितना? समझो 4 सेर प्याज। तो समझो पाव भर नमक। तो समझो पाव भर नमक। आधा पाव लाल मिर्ची। आधा पाव लाल मिर्ची। एक छिटाक राई। एक छिटाक राई। आधा सेर तेल बस। आधा सेर तेल बस। कोई बात नहीं, कागज पे जाके उतार लूंगा। कोई बात नहीं, एकदम पक्का है। बड़ी शैतान है तू। लो जी, अपना काम खत्म हुआ, अब हम लच्छू से लाल परी की कहानी सुनते जाके। ए
ले धूप में रख दे इसे। मैं लच्छू से कह दूं कि 5 दिन तक कोई हाथ ना लगाए। क्या हुआ? लड़ाई हुई। लाल बहादुर ने मार मार के परियों की फौज का भरकुस निकाल दिया। क्या हुआ? फिर क्या हुआ? फिर लाल परी को लेके घर आया, शादी हुई, बाजे बजे टू 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 टू, ढोल बजे बम बम बम। मैंने अचार धूप में रख दिया है, 5 दिन तक हाथ ना लगाना वरना खराब हो जाएगा। तो सब बातें समझा दो ना रानी, कि छठे दिन छूना तो कैसे छूना? जितना चाहिए चम्मच से निकाल लो। मर्तमान में झांकू के न झांकू? सुना है कई ऐसे अचार होते हैं जो नजरों से खराब हो जाते हैं। ऐसे कोई अचार नहीं होते। तारा बहन, इस पत्ते में क्या है? हाथ ना लगा, बाजा है। बाजा नहीं, हजूर साहब की बीबी की गहने हैं। अरे हजूर साहब तो कुंवारे हैं पगली। जाजा, मारे बाबा को 40 रुपए मिलते और 3 बच्चे उनके। और हजूर साहब को 160 रुपए मिलते हैं, तो 3 चौक 12 बच्चे होने चाहिए तेरे हिसाब से। क्या बात है लच्छू? राधा की बातें बड़ी प्यारी है सरकार। क्या कहती है राधा? कहती है इस बक्से में हजूर साहब की बीवी के गहने। जरूर है, हम अभी बक्सा खोल कर दिखाएंगे राधा को। कहाँ भागती हो, गहने नहीं देखोगी हमारी बीवी के? ले देख। ये तो बाजा है, तुम बजाना जानते हो हजूर साहब? हाँ जानता हूँ। गाना भी जानते हो? हे पगली। हाँ गाना भी जानता हूँ। लच्छू, अगर मैं हजूर साहब से कहूँ गाओ तो ये कोई बुरी बात है? कोई बुरी बात नहीं, तुम कहोगी तो हम गा भी देंगे। अच्छा, मैं तारा बीना को बुला लाती। अच्छा। ए तारा बिना, अरे आओ हजूर साहब गाना गाएंगे। आओ बैठो। सुना नहीं क्या कह रहे हजूर साहब? तू बैठ जा। तुम भी बैठ जाओ। बैठ जाओ, नहीं तो गाना नहीं सुनाएगी हजूर साहब। अच्छा तो क्या गाऊं बोल? जो सबसे अच्छा लगता है तुम्हें। ए, तुम नहीं, आप कहती है हजूर साहब को? कहानी नहीं गाना। सुन तो सही रानी, कहानी की कहानी है और गाने का गाना। सुनो 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 एक नई कहानी, सुनो सुनो एक नई कहानी, सुनो सुनो। एक थी रूप नगर की रानी, रानी की मखमूर जवानी, मतवाली भरपूर जवानी, अपने आप से थी बेगानी। सुनो 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 एक नई कहानी, सुनो सुनो। उस रानी का रूप महल था झील किनारे, जिसके जल में झांक रहे थे चांद सितारे। दूध से उजला, शहद से मीठा, दूध से उजला, शहद से मीठा था उस झील का पानी। सुनो 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 एक नई कहानी, सुनो सुनो। एक दिन एक प्यासा शहजादा उसी झील पर आया, उसी झील पर आया।
उसने जल दर्पण में देखी रूप रानी की छाया, रूप रानी की छाया, उस छाया को लेने लपका, उस छाया को लेने लपका, डूब गया शहजादा। सुना है जल को चिता समझकर कूद पड़ी थी रानी, ओ हो गई खत्म कहानी। नींबू पानी पीते जाओ सर। नहीं ये नींबू पानी फुकने से करेगा। ये चिट्ठी हमारी नहीं श्रवण कुमार, ये है आपकी और ये है आपकी। माफ करना गणेशी, ये बेचारा भी क्या करे, 3.5 बरस हो गया सगाई हुए, अब तो हाथों पे मेहंदी लगनी चाहिए। अब तो मेहंदी की जगह इन हाथों में कुल्हारा होगा एक दिन। लक्की बाबा का सर उतारोगे? एक और सर कलम करना है मुझे। बड़े गर्मा गर्म दिखाई देते हो दादा। ये ठंडे की दुनिया है जगन, बहुत दिन सर पे बर्फ रख के बैठा हूँ। तारा जी, मैंने कहा तारा जी। आओ जी, लच्छू जी, क्या कहा आपने? हजूर साहब ने जोड़ा भेजा है राधा के लिए। क्यों भेजा हजूर साहब ने? बस भेजा है, ले लीजिए। बड़े बाबू से कह दो कि हमें अपनी सूखी मिस्सी में ही रहने दे, ये देश में दुनिया हमारे बच्चों को ना दिखाए। मैं जानता था यही जवाब आएगा तुम्हारी तरफ से, लेकिन ये तो हमारा और राधा का मामला है। क्यों राधा? बाबा घर में नहीं होते तो मुझे तारा बहन की बात माननी पड़ती है। कल गुरुवार है, बाबा आ जाएगी फिर भी नए कपड़े। आने दे बाबा को, अच्छी तरह तेरी मरम्मत कराऊंगी। मैं तो अपने सामने पहनाऊंगा ये कपड़े, देखता हूँ कौन मना करता है। ले पहन। तारा बहन, बाप ने कहा था ना बड़ों का काम माना करो, तुम मुझसे बड़ी, तुम से बड़ी। जोड़ा सिलवा के दिया है ना, तभी गुनगा रही है उनके। नहीं तो मैं झूठ बोल रही हूँ। और क्या, तारा के सामने गाते हुए छेप रहे थे हुजूर साहब। हुजूर साहब नहीं छेप रहे थे, तारा छेप रही थी सुन के। क्या बाबा फैसला करेंगे इस बात का? पापा, अगर तारा हजूर साहब से अच्छा गाती तो जो गाना हजूर साहब ने गाया था तारा ने क्यों नहीं गाया था? ये ठीक, बिल्कुल ठीक। अच्छा ये ले, ये देख मैं कहां कहां से चुन के तेरे लिए करौंदे ले आया हूँ। आपका रास्ता देख रहे हैं। क्यों? एक बात पूछेंगे तुमसे। क्या बात? वो कहते हैं जन्माष्टमी के दिन बिना कन्हैया बने और तारा बने राधा, सारी रात नाच गाने होते रहे। हर साल जन्माष्टमी मनाते हैं बेटा, इस साल जैसे हजूर साहब कहेंगे वैसे मना लेंगे। Thank you.
कह दो कि मैं ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकता। पर क्या सब कुछ? यही जो मैं कह रहा हूँ। पर मेरी समझ में तो कुछ आया नहीं, बाबा से क्या कहूँगी? तू जा, मैं आप ही कह दूंगा बाबा से। मेरी भी गांव में इज्जत है, मैं भी आदमी हूँ, कोई जानवर नहीं। चाचा होगा तेरा बाप, चाचा होगा तू आप। जन्माष्टमी का प्रसाद नहीं चाहिए। ये जन्माष्टमी का प्रसाद नहीं, मोहब्बत के जन्म का प्रसाद है, और मैं इस मोहब्बत को पाँव में कुचल के रख दूंगा। हाँ, राधा ये कपड़े हजूर साहब को दिया। राधा कुमारी ये बनाए थे उन्होंने, जन्माष्टमी के लिए बनाए थे उन्होंने। अष्टमी खत्म हो गई, जा वापस दिया। जा। मैंने कहा रानी वापस नहीं देंगे हजूर साहब। सुना तुमने, वापस नहीं लेंगे हुजूर साहब। क्यों? मैं जानती हूँ। क्या जानती है तुम? ये पढ़े लिखे बाबू जन्माष्टमियाँ मनाते हैं कभी? ये तो एक बहाना था। किस बात का? थोड़े और करीब आ जाए बुलबुल के। हफ्ता दस दिन चलेगा ये लादा, फिर और ला देंगे। हाँ थोड़ा बनाए थे कपड़े उसी को दे दो। हमें किसी की खैरात नहीं चाहिए, भगवान हमारे बाबा की कमाई में बरकत दे। पर पगली, इसमें खैरात की क्या बात है? नाप तुम्हारा, वो क्या करेंगे इन कपड़ों को? ला बेटे, अंदर रख दें इसे। क्या कहा था बच्चू? Thank you.
मुझे जला बैठोगे एक दिन, ये हाल रहे तुम्हारे तो। जग्गू दादा, कोई सियाना नहीं इस गांव में। हम सियाने नहीं तेरे ख्याल में? मेरा मतलब, तेरा मतलब मैं समझता हूँ। अरे मर्द बन मर्द के बच्चे 52 इंच की छाती लिए फिरता है और एक छोटी सी लड़की बस में नहीं कर सकता। क्या बताऊं दादा, दुश्मन तो पास बिठा कर दिल की कथा गाने में सुना देता है। बहाना छोटी का कहानी बड़ी को सुना रहे थे उस दिन। तुम किससे कम हो मेरे यार, वो आवाज लगाते हो कव्वाली में चौथा महल्ला तड़प उठता है और तुम्हारे उसके दरमियान एक छोटी सी दीवार है। हाँ यार, तो फिर हो जाए कव्वाली रात को, तुम भी दिल की कहानी सुना दो बराबर वाली को। एक मुद्दत से दीवाना दिल, एक मुद्दत से दीवाना दिल, खुशियों का जमाना भूल गया। एक मुद्दत से दीवाना दिल, खुशियों का जमाना भूल गया। फुर्कत की कहानी याद रही, फुर्कत की कहानी याद रही, उल्फत का फसाना भूल गया। एक मुद्दत से दीवाना दिल, खुशियों का जमाना भूल गया। नजरों में कैसा जादू था, उन नजरों में कैसा जादू था, पूछो तो मुझे कुछ याद नहीं, पूछो तो मुझे कुछ याद नहीं। एक बार तो मैं बेहोश हुआ, एक बार तो मैं बेहोश हुआ, फिर होश में आना भूल गया। एक बार तो मैं बेहोश हुआ, फिर होश में आना भूल गया। एक मुद्दत से दीवाना दिल, खुशियों का जमाना भूल गया। सुनसान अंधेरी राहें हैं, सुनसान अंधेरी राहें हैं, साथी भी नहीं मंजिल भी नहीं, साथी भी नहीं मंजिल भी नहीं। दिल मौत की इस खामोशी में, दिल मौत की इस खामोशी में जीने का तराना भूल गया। दिल मौत की इस खामोशी में जीने का तराना भूल गया। आहे मुद्दत से दीवाना दिल, खुशियों का जमाना। फुर्कत की कहानी याद रही, फुर्कत की कहानी याद रही, उल्फत का फसाना भूल गया। मुद्दत से दीवाना दिल, खुशियों का जमाना भूल गया। गाना बंद करो, हजूर साहब कहते हैं। मौत शौक को भी मना करते हैं हजूर साहब। अरे भाई, मौत शौक करना है तो भजन गाओ, कीर्तन करो। कीर्तन ही तो कर रहे हैं, कोई समझे तो। सूझ वाले तो दामोदर पंडित के यहाँ कथा सुनने गए, होते तो दाद मिल जाती। जग्गू दादा, जग्गू दादा, दिल की दिल ही में रह गई। क्यों? हमारी धड़कने वहां तक न पहुंच सकी उस्ताद, क्वार्टर को ताला पड़ा है। फिर सही मेरी जान, मोहब्बत की जिंदगी लंबी होती है। लो मुंह मीठा कर लो अभी तो। बीड़ियां पी लो, मिठाई को हाथ न लगाना भाई, 54 कम में वापस दे दूंगा हलवाई को। बिंदरू,
माफ करना, ये हलवाई की अमानत है। सरवन कुमार जी, ये चिट्ठियां तुम छाप दो, मुझे सर्दी लग रही है, बुखार होता दिखता है। अच्छा भाई, जिस चिट्ठी को देखता हूँ केसर के छीटे पड़े हैं। ब्याह शादियों का महीना चल रहा है। हाँ चल रहा होगा, ब्याह शादियों का महीना। तुम तो चल दिया सरवन कुमार। ये चिट्ठियाँ मुझसे नहीं छापी जाती, कलेजे पे धक्का लगता है। बुलाओ सरवन कुमार को, आधी जाके यहीं छोड़कर चला गया है। सरवन कुमार, बड़े बाबू बुला रहे हैं। सरवन कुमार, ये तुम्हारी दूसरी भूल है, आइंदा ये बात हुई तो नौकरी से निकाल दिए जाओगे, समझे? समझ गया हुजूर, समझ गया। फूलों में भी जान होती है तारा, ये भी दर्द महसूस करते हैं। हाँ, मैं सोचा करती थी ये शबनम के कत्ते क्या होते हैं, फूलों के माँ के आंसू है ना, नहीं दिखता। और जो घास पे शबनम के कतरे होते हैं, फूलों के बाप के आंसू हैं? नहीं, वो आसमान के आंसू है। बाबा नहीं कहते थे जब बेजबानों के दिल दुखते तो आसमान रोती है। तुझसे कौन बहस करेगा रानी, दो हाथ की जीभ है तेरे मुँह में। ये। बड़ी होशियार लड़की है राधा। देखा क्या, डाखाने से क्वार्टर को सीधा रास्ता जाता है, पहले इधर आए फिर उधर गए। हुजूर साहब क्यों क्यों क्यों, डेरे में और दूध पीते बच्चे में इतना भी फर्क नहीं, बहाना ढूंढते और क्या। मगर क्यों? मगर यूं कि तू नींद से जागे फूलों से ज्यादा भोली और चांद से ज्यादा सुंदर है। ये तो हुजूर साहब है, तहसीलदार और थानेदार भी तुझे देख ले तो नजरों के पहरे लग जाए लक्की बाबा के क्वार्टर के गिर। बकवास। तारा जी, तारा जी, मैं तुम्हारी तरफ गया था, एक ही बड़े जोर का बुखार आ गया, दफ्तर में तो अच्छा भला था। गरम गरम चाय बना देती हूँ, पसीना आ जाएगा। चार छह फुलके बना देना बड़े बाबू को, दाल सब्जी मैंने बना दी, मुझसे तो अब खड़ा भी नहीं हुआ जाता। बड़ी उस्ताद लोग हैं, नई तरकीब निकाली है। कैसी तरकीब? बुखार उखार कोई नहीं, लच्छू झूठ बोलने से फायदा। सामने बैठ के तुम्हारे हाथ की फुलके खाना चाहते हैं हुजूर साहब, और क्या। मैं नहीं जाऊंगी। क्यों, ना तो पड़ेगा वरना बुरा मान जाएंगे, हुजूर साहब हैं। शर्म नहीं आती कमीने, आ मैं अपने जूते के तलवे से तेरे माथे का तिलक मिटाऊं। ये सब नाटक है, ढोंग है, बुखार जानबूझ के चढ़ाया तूने कि तारा बड़े बाबू के फुलके बनाए और तेरी तरक्की हो जाए। तो मेरे लिए जो हुक्म हो सरकार, नहला भी दूंगा और फुलके भी बना दूंगा। फुलके तो वो लड़कियां बना लेंगी, नहला तुम देना। डोल की जगह बाल्टी गिर गई है कुएं में। बात क्या है सरवन कुमार, तुम हमेशा खोए खोए से रहते हो। कुत्ते की जिंदगी बसर कर रहा हूं साहब, फर्क कितना है, कुत्ता बुरा मनाए तो भौंक सकता है, मैं बोल भी नहीं सकता। सारे शहर को मालूम है कि तारा मेरी मंगेतर है, शादी न हुई तो मुंह काला हो जाएगा मेरा। पर शादी क्यों ना हुई,
आज में और कल में बहुत फर्क पड़ गया है सरकार। कल वो जमाना था कि दिन में एक आध बार चोरी छुपे से वो मुझे देख लिया करती थी, और जिस दिन मैं उसे दिखाई न दूं, दुनिया भर की बेचैनी उसकी आंखों में उतर आती थी। और आज श्रवण कुमार कौन है शायद ये भी न याद रहा हो उसे। आठों पैर हाथ में कंघी रहती है और लब संवारा करती है अपनी। वजह? पहले जमीन पे चला करती थी तारा, अब आसमान पे चलती है। लेकिन सरकार, जिसकी शह पे तारा आपे से बाहर हुई फिरती है, सर पे कफन बांध कर फिरना चाहिए उसे। मैं जहाँ का रहने वाला हूँ, बड़ी जालिम मट्टी है वहाँ की, खून कर देना तो खेल समझते हैं वहाँ के लोग। कहाँ का रहने वाला है सरवन कुमार? एक छोटा सा गांव है, बस्ती। बड़ी जालिम मिट्टी है वहाँ की। कौन कहता है? वही कह रहा था, खून कर देना खेल समझते हैं वहाँ के। आओ दो सूखे पत्ते खड़ खड़ा है तो दरवाजे बंद हो जाते हैं घरों के। याद है तारा, गए बरस एक और सुरमा आया था वहाँ से, सरवन का भाई। सूरज ढलने के बाद कुएं पे जाना हो तो हमारी राधा को आवाज लगाया करता था। फिर तो लक्की बाबा ने बड़ा सूर भी ढूंढाया तारा के लिए। मुझे कोई बात बुरी लगी है बाबा की तो ये नाता है, कोई मेल नहीं दोनों। अकेली गई थी बाबू की रोटियां पकाने। अरे मैं क्या कहता हूँ तारा, अरे वहां से उठी यहां सो गई राधा। ओ राधा, ऐसे ही उठेगी तेरी लाडो। क्या जल्दी से चुटिया बांध दे, नहीं तो बाबा कहेंगे पुतनी कहां से ले आए। तारा भी सो गई। आधी रात से खराब हूँ यहाँ कि आज गुरुवार के दिन जरूर जल्दी उठोगी तुम। मेरी बात सुनती जाओ तारा, वरना हाय पड़ जाएगी तुम पर। ये क्या कर रही है? मेरा मतलब है, ये क्या हो रहा है? क्या हो रहा है जी? जी, 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 जी भी कहती हो और दिल भी दुखाती हो मेरा। मैं क्या कहूँ तुम्हें तारा, कोई आ ना जाए ऊपर। हाथ जोड़ो, मौत आ जाए और मैं मर जाऊं। मैं ना मर जाऊं आपसे पहले। तारा 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 तारा, भला 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 मैं कौन हूं तुम्हारा? मेरे स्वामी, मेरे नाम। कोई शिकवा नहीं तुमसे, ये सब वहम थे जो आज दूर हो गए। मैं सच कहता हूँ तारा, ये सब वहम थे जो आज दूर हो गए। मुझे माफ करना तारा, अपने सरवन कुमार को माफ कर दो तारा। कहाँ चली हो राधा रानी? कहाँ जाया करते हैं गुरुवार के दिन हम लोग? पर आज तो गुरुवार तांगे में बैठ कर यहाँ आ रहा है। बड़े बाबू ने सुबह सुबह तांगा भेज दिया है मील के पत्थर पर लक्खी बाबा के लिए। कोई जरूरी काम है? आज बड़े बाबू का जन्मदिन है, सब लोग सैर को जा रहे हैं। सब लोग? हाँ सब लोग। सब लोग गए तो हम लोग कैसे जा सकते हैं? क्यों? तारा नहीं जाएगी, तारा नहीं जाएगी तो मैं नहीं जाऊंगी, मैं नहीं जाऊंगी तो राधा नहीं जाएगी। पर तारा क्यों नहीं जाएगी? सब लोग जो जा रही हैं। ओ तो सब लोग नहीं जाएंगे, एक लोग नहीं रह जाएगा। मैं बड़े बाबू को समझा देता हूँ। सरवन कुमार जी। चौधरी लच्छू राम जी। मिठाई भेजी है बड़े बाबू ने। बड़े बाबू ने मिठाई भेजी है? क्यों? आज उनका जन्मदिन है, सब लोग नाव की सैर को जा रहे हैं। सब कौन? बड़े बाबू, मैं, लक्खी बाबा, राधा, बीना, तारा। तारा नहीं जाएगी? अब वो तो बैठ गए तांगे में। कह दो नहीं जाएगी तारा, और मिठाई मुंह पे मारो बड़े बाबू के।
क्या कहोगे? मिठाई मुंह पर मारूंगा बड़े बाबू के और कहूंगा तारा नहीं जाएगी। तू 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 चुप रह, मैं आप निपट लूंगा उनसे। मौसम सावराया, मौजों का इशारा है, मौजों का इशारा है, देखा न किनारे ने क्या हाल हमारा है। मौजों का इशारा है, तूफान का डर कैसा जब पास किनारा है। दर्द चकोरी का कब चांद ने जाना है। दस्तूर पुराना है, मजबूर मोहब्बत है, मुख्तार जमाना है। ऐ दिल वालो इतना तो बतलाना रे, क्या कहता है दीपक से परवाना रे। हाँ जी क्या कहता है दीपक से परवाना रे। कहता है ये परवाना, कहता है ये परवाना, उल्फत में वफा वाले जा देते हैं नजराना। कहता है ये परवाना है, जीत मोहब्बत की जल जल के जिए जाना। दीवाना मस्ताना बुलबुल प्यार में, कली कली पर क्या गाए गुलजार में। हाँ जी कली कली पर क्या गाए गुलजार में। गाता है यही गाना, गाता है यही गाना, देखो कहीं भवरों की बातों में ना धड़के धड़के रह रह के दिल बावरा, भीगी भीगी रुत है मौसम सावराया। हाँ जी भीगी भीगी रुत है मौसम सावराया, हाँ जी भीगी भीगी रुत है मौसम सावराया, हाँ जी भीगी भीगी रुत है मौसम सावराया। आज मौका मिला है कि मैं तुम्हें दिल की बात कह दूं। कहूं? कहिए। अगर मैं ये कहूं कि मुझे तुमसे प्यार हो गया है, बुरा तो नहीं लगेगा तुम्हें? नहीं। लेकिन ये मोटा सरवान हमारे तुम्हारे दरमियान दीवार बन के खड़ा है, उसे हटा दो तुम। लेकिन मैं कैसे हटाऊं उसे? तो मैं उसे हटा दूं। तेरा बाप भी नहीं हटा सकता कबीरे। जरम दादा, ये ठाट है, खाना खाओ। पांव बोझल हो गए हो तो घर पहुंचा दूं हुजूर को। बीवी दूं?
पकौड़ी पीते तो बात समझ में आ जाती। मतलब क्या है तुम्हारा? मैं मतलब अभी बताता हूँ। लग गई मकान को चौकीदार। ये कैसा शोर है बीना? ये कैसा शोर है? अरे बाबा कहाँ गए? बाबा कहाँ गए? बीना उठ, ये कैसा शोर है? बाबा आ रहा था। जल्दी जल्दी पानी मार, लक्ष्मी आग बहती जा रही है। यहाँ गलती नहीं बुझेगी, मैं लाता हूँ उन्हें बचा के। हजूर साहब, हजूर साहब! राधा, 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 राधा! भागा, कोई जवाब नहीं आता, राधा मर गई। राधा नहीं इतनी जल्दी मरती, हजूर साहब ने मुझे बचा लिया। किसने मुझे बचाया है? ये गुड़िया जितनी खूबसूरत है उतनी बहादुर भी है। माँ जी, आने की क्या जरूरत थी माँ जी इतनी दूर से? नया जन्म हुआ है तेरा, माँ बलैया लेने भी ना आती। ये गरीबों में बांट देना पैसे। है बेटे, जाने कौन से फोन काम आए हैं? वो लड़की कहाँ है जिसने तुझे मौत के मुंह से बचाया? राधा, राधा, ए राधा, क्या है? मैं अपने भैया को निलाने गई थी। अच्छा जी, कपड़े बदलने, काजल लगाना है। आओ राधा, माँ जी से मिलो आके, 200 मिलकर सफर तय करके आई है तुम्हारे लिए। तेरा किया तो मैं सारी उम्र नहीं उतार सकती बेटा। ये तेरी गुड़िया है और तू मेरी गुड़िया है आज से। जा कपड़े बदला दे इसके, काजल लगा दे, मैं अभी आती हूँ मेरी बेटी के पास। जा। तारागन, तारागन, हमारे हजूर साहब है ना, उनके माता जी आए हैं। अच्छा, अभी यहाँ आएगी मेरी गुड़िया के साथ खेलने। जितनी प्यारी आप है उतनी ही प्यारी प्यारी बातें करती है, बिल्कुल देवी का रूप है लड़की। सुरमा लगा लिया गुड़िया को? कहाँ है मेरी रानी बिटिया? राधा, अरे ओ राधा, अरे क्या है? अरे शर्मा गई मेरी बिटिया, देख क्या क्या लाई हूँ तेरे लिए। मिठाई, फल, सोने का हार और ये देख रेशम का थान। चार जोड़े निकलेंगे तेरे और 15 तेरी गुड़िया के। ये औरत कौन थी? बड़े बाबू के माता जी हैं। बड़े बाबू के माता जी हैं? हैं चाचा। पापा, पापा, मालूम है माता जी मेरे लिए क्या क्या लाए हैं? क्या क्या लाए हैं? इक्की की मिठाई, इत्ता इत्ता फल, रेशम का थान। हाँ। छोटे बच्चे रेशम का थान तो पहनते हैं ना? हाँ हाँ, छोटे बच्चे रेशम का थान तो पहनते हैं। मेरा बेटा इस घर को लखी बाबा की फुलवारी कहता है। भगवान इस फुलवारी को हमेशा हरा भरा रखे। जीती रहो बेटी। बड़ा प्यारा लगता है ये हार, ससुराल का पहला तोहफा है ना। क्या बात है सरवन दादा? दादा न न न सरवन न ताता।
नारे तुम्हारी दुकान से खरीदा था लक्की ने। हाँ बोलो बिंदरू। कब की बात कह रहे हो दादा? सगाई के नारियल की बात है। वो तो मुझे अच्छी तरह याद है, कम से कम पाउंड शेर का था नारियल। क्या कहा था लक्की ने? कहा था नारियल देख के देना बिंदरू, तारा की सगाई में देना है। किसको देना है? अरे ये कौन नहीं जानता श्रवण कुमार, तुम भी जानते हो ना चाचा। मैंने तो पहली बधाई दी थी उसे। और तुम लाला बसंत लाल? जानता हूँ भाई। तुम भी जानते हो ना लक्ष्मी से? सारा गांव जानता है इस बात को। जो बात गांव नहीं जानता मुझसे सुन लो। ए मुंशी जी, साढ़े तीन बरस हुए हैं सगाई को, और ये बरस कैसे बीते हैं, कैसे बीते हैं? इधर मैं बेचैन, उधर वो बेचैन। वो कौन? तारा। ये बात हमें नहीं मालूम थी भाई। और आगे सुनो भाई, जो लड़की साढ़े तीन बरस दिन रात मेरे लिए व्याकुल रही, आज मेरी सूरत से नफरत हो गई है उसे। सबब? इंतजार करते करते थक गई होगी बेचारी। छोटी बहन ने भड़का दिया होगा। अरे भाई, बाप की नीयत बदल गई होगी। सोने की चमक ने हीरे की दमक को मात कर दिया, पूछो कैसे। कैसे? लड़की हीरा थी, पर वो सोने का हार गले में डला। बस हम तू कौन मैं कौन हो गए। कौन सा हार? अरे किसी की माँ ने हेरा फेरी से वहाँ तक पहुँचा दिया। किसकी माँ ने? नाम मत पूछो दादा। पर ये कैसे हो सकता है? यही हो रहा है। नाम बोल दादा, लक्की आ रहा है, अभी बात का निकाल हो जाता है। उसका नाम है बड़े बाबू। बड़े बाबू होंगे अपने घर के, वो कौन होते हमारे स्वर्ग में गंदगी फैलाने वाले। हम लोग बात पे मिट जाते हैं, जो कह दिया पत्र पे लकीर हो गई। लक्की बाबा, जाने से पहले बात रुकी कर जाओ हमारे सामने। कौन बात? श्रवण कुमार के रिश्ते की। रिश्ता पक्का हो चुका है, उसका मन नहीं मानता, वो बेवकूफ है। मुझे बेवकूफ बनाया जा रहा है, मेरे पास सबूत मौजूद है। क्या सबूत? पहला सबूत जन्माष्टमी, दूसरा सबूत रेशमी कपड़े, तीसरा सबूत नाव की सैर, चौथा सबूत सोने का, पांचवा सबूत मुझसे नफरत, सत्ता सबूत उनसे प्यार। मुंह बंद कर श्रवण कुमार, मैं बूढ़ा हो गया हूँ, पर लहू अभी तक गर्म है मेरा। देख लो भाई, बेटी की पलटती हुई निगाहों के साथ साथ बाप की निगाहें भी पलट गई हैं। तो बात कहाँ करी लगती बाबा? कोई और घर ढूंढ ले श्रवण कुमार, मेरी लड़की उसके लायक नहीं। बहुत अच्छा बहुत अच्छा। क्या कोई और घर ढूंढना होगा तो ढूंढ लेंगे। आज नहीं जाने दो। नहीं बेटे, जिद नहीं किया करते। जाना था तो आए क्यों थे? ये गुलदस्ता लेते जाइए माता जी, हमारी निशानी। लाओ, मुस्कुराते हुए फूलों की निशानी, मुस्कुराते हुए फूल। जब से हजूर साहब ने कहा है कि फूलों में भी जान होती है, हमने फूल चुनने छोड़ दिए। इसने मजाक उड़ाया है तुम्हारा, ये इसकी आदत है। पौने चार बज गए हैं सरकार, और छह बजे गाड़ी चली जाती। अच्छा बेटा, फिर मिलेंगे। फिर का मतलब जल्दी। तू गुड़िया का ब्याह रचा, मैं गुड्डे की बारात लेकर आऊंगी। हाँ अच्छा बेटे, नमस्ते। तू गुड़िया का ब्याह रचा ले, मैं गुड्डे की बारात लेके आऊंगी, मतलब समझी हो इस बात का? बच्चे का दिल रख गई है माता जी, और क्या मतलब। ये सारों की बोलियां हैं, और तू है मेरी सीधी बहन। अच्छा तू बता क्या मतलब। इसका मतलब है तेरी नहीं, तेरी बारात तो शहर से आएगी, माता जी लेके आएंगी ना। ये बैंड बाजा कहाँ बज रहा है लच्छे? कोई बारात बारात होगी सरकार? बारात तो हमारे कंपाउंड में आ रही है। हमारे ससुराल भी इन्हीं क्वार्टरों में है देवी जी,
अगर मैं भूलता नहीं तो मैं तुम्हें को लेने आया हूँ। बीना दरवाजा खोल, तारा सारा शहर मेरी बारात में आया है। बाबा है नहीं घर में, शादी कैसे हो सकती है? बाबा चांदी सोने के बाजार में लड़की बेचना चाहता है। खबरदार जो हमारे धर्मी बाबा के खिलाफ एक लफ्ज बता तो। दरवाजा तोड़ दो सरवन कुमार, क्या देखते हो? जबरदस्ती की शादी नहीं होगी सरवन कुमार, नहीं होगी, कभी नहीं होगी। यहाँ शरीफ लोग बसते हैं सरवन कुमार, जो ये बातें कभी पसंद नहीं कर सकते। लक्की बाबा की मर्जी के बगैर तुम कौन होते हो इस तरह चढ़ाई करने वाले? हुजूर साहब, तारा मेरी मंगेतर है, मंगेतर, मैं ब्याहने आया हूँ उसे। इसे ब्याहना नहीं कहते, जबरदस्ती उठाना कहते हैं। कुछ भी हो बाबू साहब, ये हमारे अपने मामले हैं, हम आपने पढ़ लेंगे। तुम्हारे मुँह से शराब की बू आ रही है, कदम लड़खड़ा रहे हैं तुम्हारे। हुजूर, आपको न मेरे मुंह से मतलब न मेरे लड़खड़ाते हुए कदमों से। वक्त पे जाता हूँ, चिट्ठियाँ बांट के चला आता हूँ। लेकिन इस कंपाउंड में कोई नाजायज बात नहीं हो सकती। ये जो कुछ हो रहा है जायज हो रहा है, वो मेरी जायज मंगेतर है और ये मेरी जायज बारात। लेकिन लड़की वालों को इत्तला दिए बगैर चले आना बिल्कुल नाजायज है। जगू दादा, बड़े बाबू हमारे अफसर है, इससे पहले कि हम बदलियाज हो जाएं, इनसे कह दो चले जाएं यहाँ। कंपाउंड खाली कर दो सरवन कुमार। जब तक मेरा क्वार्टर है यहाँ, ये कंपाउंड जैसे आपका वैसे मेरा। आज से तुम्हारा कोई क्वार्टर नहीं, मैंने तुम्हें डिसमिस कर दिया। मंजूर, लेकिन मेरी और तारा की सगाई को तो डिसमिस नहीं कर सकता। सगाई भी तोड़ दी मैंने, लक्की बाबा की औलाद तुम जैसे बदमाश को नहीं मिल सकती। निकल जाओ यहाँ से, वरना पुलिस के हवाले कर दिए जाओगे। सरवन कुमार और जगन्नाथ दोनों को हथकड़ी लगा लो। सरदार साहब, तेरी मंगेतर है, सारे तीन बरस हो गए हैं सगाई हुए। तुमने महकमा पुलिस को बहुत तंग किया है। हुजूर, आपने तो सिर्फ एक तरफ की बात सुनी है जग्गू, और दूसरी तरफ की तुम सुना दो ना जल्दी से। हमें दिल्ली से खुफिया पुलिस बुलानी पड़ी है। पर हमारी बात कौन सी खुफिया है, ये तो सारा शहर जानता है। क्यों जा... इधर आओ। तुम दोनों को हम बड़े बाबू का क्वार्टर जलाने के जुर्म में गिरफ्तार करते हैं, वो आज तुम दोनों की साजिश थी। ले जाओ अल्तर। सरवन ने जलाया था क्वार्टर? ये तुम लोग क्या मैले कुचले कपड़े पहन कर आई हो आज? बात है, सरवन कुमार को पुलिस ले गई है पकड़ के, हुजूर साहब के बंगले को आग लगाई थी उसने। सरवन कुमार ने? बदमाश कहीं का तारा को बयाने आया था सेहरा बांध के। क्या? हुजूर साहब ना आते तारा को उठा के ले जाते वो लोग। कौन लोग? 70-80 आदमी थे उसके साथ। अगर हुजूर साहब मौके पे ना आते तो दरवाजा टूट गया था अपना, और अगर पुलिस ना आती तो सरवन कुमार का मुर्दा उठता वहाँ से, हुजूर साहब जान से मार देते उसे। तुमने गरीब की लाज रखी हुजूर साहब, बिक तो पहले ही चुके थे तुम्हारे हाथों, अब इस चांद के जूते बनवा के भी पहनो तो इनकार नहीं। मैंने कोई अनोखी बात नहीं की लक्की बाबा, फर्ज अदा किया अपना। जाओ, बच्चे राह देखते होंगे तुम्हारे। भला हो बाबू, तुम मेरे सहाई बने हो वक्त पर, भगवान हमेशा सहाई हो तुम्हारा। खाली बाल्टी उठा के चल दियो तारा। आप नहा लीजिए, मैं फिर आ जाऊंगा। मैं फिर आ जाऊंगा, तुम पानी भर लो। ये कैसे हो सकता है, आप खड़ी रही और मैं पानी भर लूं? क्यों? आप नहा लीजिए। मुझे कोई जल्दी नहीं, मैं फिर आ जाऊंगा। मैं तो लच्छू की राह देख रहा हूँ,
वो मेरे लिए मंजन बना रहा है बादाम के छिलकों का। फिटकरी डाल की मैं भी वही मंजन बनाया करती हूँ। तभी तुम्हारे सुच्चे मोतियों के दांत। ये शादी के गीत गा रही हैं लड़कियाँ? जी नहीं, तीज के गीत हैं। सावन शुरू हो गया है ना। तीज किसी त्योहार का नाम है? तुम नहीं मनाती हो तीज? मनाते हैं। आज बाबा आए हैं, नए रस्से मंगवा देंगे तो झूले डाले। झूले हम डलवा देंगे तुम्हें। घड़े का मुंह तो ढक दिया करो बीना। ये पतंगे का मौसम है, ढका हुआ तो था। कहाँ ढका हुआ था, वो तो मैंने अब ढका है। पापा खाना खा रहे हैं। मैं कुएं पे पानी भरने गई थी, जानती हो कौन आ गया वहाँ? कौन आ गया? हजूर साहब, मोतियों के दांत हैं तारा। बस इतनी सी बात के लिए यहाँ तक घसीट लाई हो मुझे? अरे एक बात और है। वो मैं जानती हूँ। क्या? वो तुझसे ब्याह करेंगे। इस दफा तीज के झूले हजूर साहब डलवाएंगे। बहुत बहुत मुबारक हो बीना। बाबा खाना खा ले तो सुन तो, भिंद्र की दुकान पे क्या क्या मिलता है? दाल, चावल, गुड़, शक्कर, सुई, तागा, बटन और क्या? सुरमा, बिंदिया। ये बात है। बिंदिया, सुरमा और दंदासा। दांतों के मोती लाला लूटों में और भी अच्छे मालूम होंगे। तू ही लिया, तू भी चलना। बिंदरू क्या कहेगा? क्या कहेगा बिंदरू? कहेगा लड़की को अपने श्रृंगार की सूझिए। साथ चल तू भी। बिंदु चाचा आओ बेटा। बोलो ना बेटा क्या चाहिए? बिंदु चाचा तारा तारा क्या? बोलो ना बेटा क्या चाहिए? माथे की बिंदिया एक शीशी सुरमा और एक आने का दंडा सा। एक पुड़िया मेहंदी की भी दिए देता हूँ। मेहंदी, दासा, सुरमा और बिंदिया। चलो और कफन भी ले चलो साथ में। क्या बक रही है? मेरी बला से जो खुद मौत को आवाज लगा उसे कोई कैसे बचाए? लेकिन धो डाली मेहंदी। घायल का घायल नहीं किया करते मेरी जान। कहाँ है हजूर साहब? वो रहे कहाँ? अरे वो कहाँ? ये कौन बोल रहा है? जल्दी आओ तारा, मेरे अरमानों को गोद में लेके झुलाओ। हिट क्या? हुजूर साहब चले गए हैं, आवाज गूंज रही है उनकी। सुनो तुम्हारी मर्जी, ना सुनो तुम्हारी मर्जी। बनी झूलती है, हाथ पे झूला झूलाती है, पदम फूलों पे पड़ता है, नजर तारों पे जाती है। जमी से आसमां तक, जमी से आसमां तक, अब जवानी आती जाती है, पदम फूलों पे पड़ता है, नजर तारों पे जाती है। मेरी जुल्फों को झुक कर चूमते
दुल्हन को अंगड़ाई लेकर अपनी बाहों में बुलाते हैं, कदम फूलों पे पड़ता है, नजर तारों पे जाती है, जवानी झूमती है, आशिकी झूला झुलाती है। लक्ष्मी का हाथ हाथ में लेकर नए घर में प्रवेश करो। आओ। अच्छी नहीं लगती हमारी। हजूर साहब। हजूर साहब नहीं, अब मुझे किसी और नाम से पुकारो। किस नाम से? ये तुम जानो। प्रभु। आंखें भी तो खोलो तारा। मुझे शर्म आती है। अच्छा तो मैं भी अपनी आंखें बंद कर लेता हूँ। पीना।
को जगाऊंगी, कल ही उनको अपना सपना सुनाऊंगी। वो ये नहीं कह सकते मुझे क्या मालूम। मैं नीवी की बहना, बता क्या सपना आया तुझे? कुछ नहीं, अगर ना बताए तो सूरज निकलने से पहले पहले मेरा मुर्दा उठा। अच्छा बता, प्रभात के सपने सच्चे होते हैं क्या? बिल्कुल सच्चे होते हैं। सच? तो सुन, मैंने ये सपना देखा है कि मैं डोने में जा रही हूँ, हजूर साहब की माँ ने मेरा माथा चूमा और हजूर साहब से कहा घर की लक्ष्मी का हाथ हाथ में लेके नए घर में प्रवेश करो। तो मतलब ये हुआ नए क्वार्टर में हजूर साहब तुम्हारे बिना प्रवेश नहीं करेंगे, तुम इस राजधानी की रानी बनोगे और हम लोग तुम्हारी रहिए। तू तो मेरी जान है, बाबा की वो कहानी भूल गई? उड़न खटोले वाली परी की जान एक तोते में थी, तोते के टांग तोड़ो परी लंगड़ाने लगती थी, तोते का पंख मरोड़ो वो चिल्लाने लगती थी। सो मेरी जान तुझ में, मेरी बीना में। पर बहना, जब हुजूर साहब की बदली हो जाएगी तुम भी उनके साथ चली जाओगी, बिछड़ जाओगी हमसे, फिर जाने नसीबों में मिलना भी होता है कि नहीं? सुबह सुबह रोना किस बात का है, मालूम होता है लड़के सोई हो और अब रो के मनावे हो रहे हैं। क्वार्टर तैयार हो गया हजूर साहब, कब तक प्रवेश करने का विचार है? माता जी ने लिखा है नए मकान में घर की लक्ष्मी का हाथ हाथ में लेकर प्रवेश करना होगा। लेकिन वो शुभ दिन कब आता है सरकार? तारा, तारा, थोड़ी शक्कर डाल मेरे मुंह में फिर बात कहूंगी। ऐसी क्या बात है? तेरा सपना सच हो गया। अभी अभी हुजूर साहब बाबा से कह रहे थे माता जी ने लिखा है कि नए मकान में घर की लक्ष्मी का हाथ हाथ में लेकर प्रवेश करना होगा। पर रानी, मेरी एक आंख हंसती है दूसरी रोती है, तुम सुखी हो जाओगी मैं दुखी हो जाऊंगी जन्म भर के लिए। हुजूर साहब की बदली हो जाएगी, तुम भी उनके साथ चली जाओगी, बिछड़ जाओगी हमसे, फिर जाने नसीबों में मिलना भी होता है कि नहीं? मिलना बेटा, गुड़िया घर से रो तुम रही हो। लो बेटा खाना खिला दो और मुसाफिर चल दे यहाँ से। अरे रो रही थी तुम दोनों? राधा गुड़िया को विदा कर रही थी, मैंने सोचा तारा विदा हो गई तो मैं क्या करूँगी, मैंने सोचा बिना विदा हो गई तो मैं क्या करूँगी। अगर मैं ये सोचूं कि तुम तीनों विदा हो गई तो मैं क्या करूँगा? बाजरे की चूरी जरा हजूर साहब को भी दे आना तारा, लच्छू कहाँ बनाता होगा ये चीजें। सज गई दुल्हनिया। चूरी हजूर साहब को दिया, ले ला। ना बाबा मैं नहीं जाती, कहते हैं प्यार भरे दिल की हार पड़ जाए तो बुखार आ जाता है। तू ही ले जा, तू क्यों नहीं जाती? आज पहली दफा बाबा ने तुझे कहा है जाने को, कोई बात तो होगी भला। तू जा, टोले में भी मुझे बिठाएगी? आदमी पसंद नहीं मुझे। क्यों? मेरी पसंद का आदमी था सरवन कुमार, पेट देखो तो मजेदार, सो आदमी में खड़ा नग दिखाई देता था। हजूर साहब जी, क्या लाई हो तारा? अचार? बाजरे की चूरी। बाजरे की चूरी, आप खाइए, मैं बटन लगाती हूँ। नीचे कहाँ बैठ गई हो तारा, कुर्सी किस लिए है? कुर्सी नहीं जी,
अच्छा ये पेड़ ही ले लो। वो बटन कहाँ और ये कहाँ लगा रहे थे आप? मैं तो फिर कांच देख लेता हूँ, लच्छू तो कांच की भी परवाह नहीं करता। माता जी की चिट्ठी आती है? आती रहती है, मगर अब आधी चिट्ठी मेरे लिए होती है और आधी आप लोगों के लिए। सरवन कुमार का रिश्ता टूटने पे बहुत खुश हुई है। लिखती है, तारा गोदड़ी का लाल है, लक्की बाबा ने उसे कीचड़ में फेंक दिया, अच्छा हुआ भगवान ने लाज रखी, वरना फुलवाड़ी का बुलबुल चूंच परों में दबाए आठों पहर रोया करता। और ये बात ठीक है तारा, दुनिया का कोई ऐब नहीं जो सरवन में न था, और दुनिया का कोई गुण नहीं जो तुम में नहीं। मेरी हजूर साहब से बहुत बातें हुई आज, मुझे सुना? ना सुना है तो भगवान करेगा मुझे डबल नमूनिया, जब मर जाऊं बिल्कुल ही नहीं। तो फिर सुना, मैं गई ना तो वो भी चुप, मैं भी चुप। फिर वो सोच रही थी कि मैं बात करूं पहले, मैं सोच रही थी कि वो बुलाएं पहले, फिर वो भी चुप, मैं भी चुप। और ये चुप के बाद क्या हुआ वो बताना मुझे। माता जी की चिट्ठी पढ़ के सुनाई और बोली, दुनिया का कोई ऐब नहीं जो सरवन में ना था, और दुनिया का कोई गुण नहीं जो तुम में नहीं। ये चापलूसियां तो सभी करते हैं, फिर क्या हुआ? फिर वो भी चुप, मैं भी चुप। ये चुप तो सुन ली तुम्हारी, आगे बोलो। हजूर साहब कुछ इस तरह देखने लगे मेरी तरफ, भागाई वहां। मैं कह दूंगी उन्हें, खबरदार जो मेरी बहन को कुछ इस तरह देखा तो, वरना हुजूर साहब का हजार साहब बना के रखूंगी। गिर गिर छाए मस्त घटाए दूर पपीहा बोले, जुड़े चुनरिया रंग बरंगी गोरी का मन डोले, खाए चकोले हो। गिर गिर खाए मस्त घटाए दूर पपीहा बोले, जुड़े चुनरिया रंग बरंगी गोरी का मन डोले, खाए चकोले हो। मौसम गुलाबी ऋतु है शराबी, ऋतु है शराबी रमा ऋतु है शराबी। उड़े हवा में मस्त घटा के हल्के उड़न खटोले, उड़े चुनरिया रंग बरंगी गोरी का मन डोले, खाए चकोले हो। कहाँ चली वो छोरी, कहाँ चली वो छोरी, सर के चुनरिया लचके कमरिया रामा लचके कमरिया। लहर बिना लहराए गोरी डोले बिना ही डोले, उड़े चुनरिया रंग बरंगी गोरी का मन डोले।
धुनी हूँ। बस्ती बसाए पनघट सजाए, पनघट सजाए रामा पनघट सजाए। देख देख कर दिल कहता है साथ इन्हीं के भोले, उड़े चुनरिया रंग बिरंगी गोरी का मन डोले। खाए चकोले हो घिर घिर छाए मस्त घटाए दूर पपीहा बोले, पूरी चुनरिया रंग बिरंगी गोरी का मन डोले। खाए चकोले हो कोई तांगे में आया है बिना? कोई गया है तांगे में तारा जी। कौन गया है लच्छू? बड़े बाबू 10 दिन की छुट्टी। एक एक पर तुम्हारे लिए तो संदेशा छोड़ गए हैं तारा जी कि नए घर को सजा कर रखना, आते ही प्रवेश करना होगा। अरे रो रही हो तारा? मुझे क्या पड़ी है रोने की, मेरे कौन होते हैं? घर सजाने को तुम ही को बोल गए हुजूर साहब, मेरी बला सजाती है घर। ऐसे भी कोई जाता है भला? दिन निकलने से पहले गाड़ी छूट जाती है मेरी बहन। कल का सारा दिन था, रात भी 11 खड़कने के बाद सोए हैं हम लोग। इसी का नाम मोहब्बत है। इतना बड़ा कलेजा चाहिए ये कहने को कि मैं जा रहा हूँ? किसी की भरी आंखें देखना बहुत मुश्किल है, और फिर ये आंखें। बड़ी बातें होती हैं, गहना कपड़ा बनते देर लगती है। तू हवाई किले बनाकर बैठे बैठे। अच्छा तू ये बता, हमारे देखते देखते इतने बाबू आए हैं यहाँ, किसी ने परवाह भी की है हमारी? वो सब बाल बच्चेदार थे। मधुसूदन बाबू एक नंबर के सड़िया। अच्छा बाबा मैं झूठी, हुजूर साहब की प्रेम भरी नजरे झूठी, प्रभात का सपना झूठा, आठों पहर जो बाजार में चर्चे हो रहे हैं वो भी झूठे। क्या चर्चे हो रहे हैं? भगवान ने कान दिए, चल के सुन ले। हाँ बेटा। ढेले का रंग गुलाबी। तुम चल के आई हो तारा, लच्छू को भेज दिया होता। हीरा सोने की अंग में ही अच्छा लगता है बिंद्रू, पीतल में नहीं। पीतल भी कहाँ था वो भैया, लोहा था लोहा, और वो भी जंग का मारा हुआ। ये ना क्या चर्चे हो रहे हैं बाजार में।
स्टेशन पे। मुझे तो शर्म आती है, बुलबुल को ढूंढने वाली आंखें जब मुझे देखेंगी तो दांत पीस के रह जाएंगे हुजूर साहब। काहे को, 10 दिन के बिछोड़े ने तो उनको भी तोड़ के रख दिया होगा। इंजन से ज्यादा तो वो जोर लगा रहे होंगे कि गाड़ी जल्दी पहुंच जाए स्टेशन पे। अभी सुन, जो जो बातें हो आपस में तो बताऊंगी तुम्हें, और कोई बात छुपाई तो। लगन लगी है सजन मिलन की, लगन लगी है सजन मिलन की, बढ़ती जाए गई है रैन बिरह की, आई मिलन की वो छाया से पग पड़त है आगे चली बलम की ओर, प्यासी अखियां पी दर्शन की, प्यासी अखियां पी दर्शन की, लगन लगी देखो तो सही, मैं क्या चीज लेकर आया हूँ तुम्हारे लिए। आप आ गए, सब कुछ आ गया हजूर साहब, आप नहीं थे तो कुछ भी नहीं था, यहाँ कुछ भी नहीं था। मेरी बीवी से मिला सीता देवी, लक्ष्मी बाबा की फुलवाड़ी का बुलबुल तारा। बहनें कैसी हैं तुम्हारी? अच्छी। और बाबा? कहाँ चली हो तारा, हमारे साथ जाना ताने में? मेरे ख्याल में लड़के आई है बीना से। आपको देख के चेहरा खिल गया था, और मुझे देख के धक्का से लगा है उसे, और फिर एक आयत मुंह फिराया और चल दी। तुम नहीं जानती इन लड़कियों को। गुली गुली बीना, लड़ाकी नंबर वन, और ये मेरी बीवी। मेरी बहन कहाँ है? क्या कहा था मैंने? पहले आपस में लड़ी है और अब मनावे होंगे दोनों में, वरना ये कोई बात है? तारा स्टेशन पे अकेली आए। इस पे वफा जहां का
दूर से आके रही। तूने तोड़ा है बीना, तूने अपनी बहन के दिल के टुकड़े कर दिए, तूने मुझे दुनिया में लाके छोड़ा है जहां से वापस जाने के लिए कोई रास्ता नहीं दिखाई दे। मुझे क्या मालूम है क्या होती है, दिल कैसे धड़कता है कि नहीं। हवा ही दुनिया क्वार्टर से शुरू होती थी, मील के पत्थर पे खत्म हो जाती। तारा जी, तारा जी, हजूर साहब ने मिठाई भेजी। नाली में फेंक दे मिठाई। नाली में मत फेंकना लच्छू, मुझे दे मिठाई। अपना हिस्सा खाके इनके हिस्से की अलग रख दूंगी, जब दर्द उतर जाएगा तब खा लेगी। दर्द किसे है? भगवान जाने किसे है, एक रोती तो दूसरी भी रोने बैठ जाती है। मैं कोई दवा ला दूं तारा जी, ऐसे तो कंपाउंड सूना मालूम देता है। हमें कोई दवा नहीं चाहिए और नाम का। साहब ने बुला भेजा है। हजूर साहब से कह दो, नौकरी हमारा बाप करता है, हम किसी के नौकर। तारा बहन, मिठाई नाली में फेंक दूं जाके। कहने आई हूँ कि ना वो किसी की नौकर है ना मैं किसी की नौकर, मुझे फरियाद क्यों ना सुनाए वो, मैंने इतनी तारीफ सुनी है उस फरियाद की। नहीं जाएगी तारा। बीना, मेहमानों के साथ बदसलूकी नहीं करती, मैं जाऊंगी। नहीं जाएगी तारा, मैं तुझे नहीं जाने दूंगी। मैं जरूर जाऊंगी, जरूर अपनी फरियाद इन्हें सुनाऊंगी। किस शौक से लेने आई है मुझे, मैं ही निराश नहीं करूंगी। ना जा तारा, मैं कहती हूँ ना जा। मालूम होता है हजूर साहब से रूठ गई हो तू। नहीं तो जी, तो फिर क्या बात है? कुछ भी तो नहीं जी। कुछ तो जरूर है, स्टेशन पर आकर इस तरह चली गई, मैंने लच्छू के हाथ बुला भेजा तो इनकार कर दिया, अब आने लगी हो तो बीना रोक रही थी तुम्हें। हजूर साहब चुपके से चले गए, हमें शादी पे भी नहीं बुलाए। ओ चलो, तुम्हारे हजूर साहब की अच्छी तरह से खबर लेती हूँ। चले, लड़कियों की नाराजगी बिल्कुल ठीक है, आपने इन्हें शादी पे क्यों नहीं बुलाया जी? शादी? पंडित जी के बेसुरे मंत्रों के माता है जो शादी हुई, हम उसे शादी नहीं कहते, कैंसल। असली शादी अब होगी जब तारा गाएगी, तारा की रस भरी आवाज की गवाही में फिर से हमारा गठबंधन होगा। गाइए परभत जी। दास्तां
के होते हुए भी अकेली हूँ मैं, सबके होते हुए भी अकेली हूँ मैं। आप अपने लिए एक पहेली हूँ मैं, हाय मजबूरियाँ हाय लाचारियाँ, क्या सुनाऊँ तुझे प्यार की दास्तां। भूख रहा है जिगर जी रही हूँ मगर, भूख रहा है जिगर जी रही हूँ मगर, हाय मैं लुट गई तू रहा बेखबर, रोते रहे ये जमीन आसमां, देखते देखते जल गया आशियां, रह गई रात से उठ रहा है धुआं, क्या सुनाऊं तुझे। ये क्या माजरा है, बातें छिपाती क्यों हो मुझसे, जब से आई हूँ यही तमाशा देख रही हूँ। बंठन का स्टेशन पर आई, किस शौक से हजूर साहब को आवाज लगाई, लेकिन मुझे देखते ही एकाएक उसके दिल को धक्का लगा, आंखों में तूफान सा उठा और चल दे क्यों। अगर मुझे ये मालूम होता कि मंडप में आके गिर फेरे लेते हुए मैं एक मासूम दिल को पाँव में कुचल रही हूँ, तो कभी आपसे शादी ना करती। क्या जरूरत थी आपको शादी की, जब मोहलात जोड़ चुके थे आप, 4-6 हजार के जहेज के लिए एक और जिंदगी बर्बाद कर दी आपने। सीता क्या कह रही हो, मेरा उन लड़कियों से क्या वास्ता। वास्ता मुझसे नहीं आपको, और ना मैं रखना चाहती हूँ। जाइए हरकारी की बेटी से शादी कर लीजिए, मैं आपके रास्ते में नहीं आऊंगी। दिल उसका है तो मैं शरीर के खोखे को लेकर क्या करूँ। वाकई मेरी ना मानी। अगर मैं वहां नहीं जाती तो गठबंधन कैसे होता हूं, मैं पुरोहित बनी थी। ये क्या कह रही है तू, मैं बहुत थक गई हूं बिना, मुझे लिटा दे मेरी बहन। शादी कैंसल, शादी फिर से हुई, तारा के मद भरे सुरों की गवाही में हमारा गठबंधन होगा। हजूर साहब ने अपनी बीवी का पल्लू लेकर अपने रुमाल से बांध लिया और बोले, काम मम्मी।
कहना चाहती है लेकिन कह नहीं सकती। क्या हो गया है तुझे? देखते हम का पूछ लेके बैठ गई है, मर जाएगी तारा, जी भर के रो ले वरना घुटते हुए अरमान दम तोड़ने से पहले तेरी जान ले लेंगे। आ मैं तुझे रुलाती हूँ, तेरी बर्बादी का गीत गाती हूँ। सुन सखी ये तेरा जल चुका आशिया, जल चुका आशिया, आसरा छोड़ दे, आसरा छोड़ दे, लुट गया Hey!